हे व्हाट्सअप एवरी वन, तो यार वेलकम बैक टू अदर वीडियो। एंड आज की वीडियो में आप लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है, क्योंकि यार आज की वीडियो में तुम्हें पांच टिप्स देने वाला हूँ बहुत ही बढ़िया मास्टर रैंक पोस्ट के लिए। एंड तुम लिटरली ये चीज़ें मैं खुद के एक्सपीरियंस से तुम्हें दूंगा, क्योंकि मैंने सोलो मास्टर रैंक पुश किया। एंड अगर तुम्हारे पास टीम नहीं है फिर भी तुम मास्टर कर सकते हो, इतना भी हार्ड काम नहीं है यार। तो यही मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। एंड ये वही मैच है जिससे मैंने मास्टर हुआ था, मतलब कि मेरा लास्ट मैच था ये अल्ट्रा फाइव पे। इस मैच के बाद मैं मास्टर पे पहुंच गया था, तो तुम लोग देखना कितना बढ़िया मैच था। एंड इसमें से कुछ टिप्स दूंगा एंड कुछ टिप्स मैं तुम्हें दूसरे गेम प्ले से भी दे दूंगा यार। हाँ, तो टिप नंबर फर्स्ट है कि तुम लोग हमेशा से एनिमीज के फार्म को चुराया करो। जैसे तुम लोग देख रहे हो सामने वाली टीम ने पहले आकर हमारा फार्म चुराना शुरू कर दिया, देख ही सकते हो तुम लोग, क्योंकि ये मास्टर लीग का गेम प्ले तुम कह सकते हो। ऑलमोस्ट मास्टर पहुंच गया था, मैं एक मैच बचा था बस, तो मास्टर के बंदे भी आ रहे थे यार, तुम लोग देख ही सकते हो। वो लोगों ने आके हमारा थोड़ा बहुत फार्म भी चुरा लिया। तो यही होता है कि जो मास्टर पे तुम लोग बंदे देखोगे वो हमेशा मास्टर पे तो फार्म चुराने का कोशिश करेंगे। तो यही चीज़ का ध्यान रखा करो, हमेशा फार्मिंग आप चुराया करो जिससे आपको फ़ायदा हो और जो है एनिमीज को आप जल्दी हरा पाओ, क्योंकि जिसका लेवल ज़्यादा होगा वही जीतेगा यार। कोई भी पोकेमॉन हो फाइट तो वही जीतेगा। हाँ, तो यार टिप नंबर सेकंड है कि ऑलवेज फोकस ऑन गोल्स। अब देखो यार, इसका मैं तुम्हें एक लाइव एग्जांपल बताता हूँ। जैसा कि तुम लोग देख रहे थे ऊपर की तरफ इतने बढ़िया जो है टीममेट्स थे कि उन लोगों ने इतनी बढ़िया फील्डिंग जमा रखी थी यार, मतलब गोल ही नहीं करने दे रहे थे। तुमने देखा ऑलरेडी उन्होंने हमारा एक गोल भी डिस्ट्रो कर दिया है। तो मैंने क्या किया, नीचे आके गोल किया थोड़ा सा, फिर एनिमी का फार्म चुरा, फिर मैंने देखा कि वो बंदे जो है आगे की साइड चले गए यार। तो अब यहाँ पर आकर मैंने गोल कर दिया ऊपर वाली साइड पर, क्योंकि यार अभी ऊपर वाली साइड का गोल खाली था। एंड इस चीज़ में एक और चीज़ ध्यान रखना है यार कि गोल गेटर प्लस तुम जो है स्कोर शीट यूज़ कर सकते हो, लिटरली वो बहुत ही फ़ायदा देगी आपको। गोल गेटर तो आपका टाइम बढ़ा देगी गोल करने का, बढ़ा नहीं मतलब डिक्रीज कर देगी टाइम यार, बहुत जल्दी तुम्हारा गोल हो जाएगा। एंड जो स्कोर शील्ड है वो तुम्हारी हेल्थ का 10% शील्ड प्रोवाइड करेगी, जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। लिटरली जितने भी तुम हाई रैंक पे बंदे देखोगे वो लोग स्कोर शील्ड यूज़ करते ही हैं। गोल गेटर का वो तुम पर है, तुम्हें करना है नहीं करना, बट हाँ बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा वो दोनों चीज़। एंड अगर आपके पास 10-15 का स्कोर है तो आप 4-5 बंदों के बीच में घुस के भी जाके गोल कराओगे अगर ये दो चीज़ें आपके पास हैं यार। तो सो यार थर्ड नंबर टिप है, ऑलवेज डिसाइड अ सेफ गोल अगर तुम्हारे पास 15-20 से ज़्यादा पॉइंट है। अब देखो यार, जैसे कि ज़्यादा पॉइंट होते तो पोकेमॉन्स उसको रोकने की ज़्यादा कोशिश करते हैं। अब बहुत से लोग ये बीच वाले गोल को जो इग्नोर करते थे मोस्ट ऑफ टाइम, एंड ऊपर की साइड गोल करने जाते ये सोच के कि ऊपर ईजी रहेगा, बट बेसिकली ऊपर की साइड आपको और ज़्यादा हार्ड पड़ेगा गोल करना, क्योंकि ये मैंने कल भी बताया था कल के ऑडियो में। देखो यार, जैसे ही बंदे आएंगे वो जंप वाले बटन से ऊपर या नीचे जाएंगे, आगे भी आ सकते हैं बट वो आगे तभी आएंगे जब वो तुम्हें देख जाएंगे यार। तो तुम्हारे पास एक तरीका, अगर देख रहे हो तुम लोग कोई पोकेमॉन जो है अभी 5 सेकंड में स्पॉन होने वाला है, तो बेसिकली क्या करो, वहाँ पे आसपास इतनी सारी घास है कि तुम लोग कहीं भी छुप सकते हो, उस घास में छुप जाओ जिससे तुम मैप के अंदर दिखोगे नहीं। उसके बाद जब वो पोकेमॉन जंप करके कहीं आगे की तरफ चला जाता है तब जाकर गोल करो। एंड साइडों में गोल करने का ट्राई मत करो, अगर बीच का गोल खाली है तो वहाँ पर ईजी पड़ रहा है तो वहाँ पर जाओ यार। अब बेसिकली तुम्हें वो तो कॉमन सेंस से थोड़ा पता लगाना पड़ेगा कि किस साइड गोल करना ईजी रहेगा यार, वो तुम्हें एक्सपीरियंसेस वैसे भी सीख जाओगे तुम। हाँ, तो टिप नंबर 4 है, यूज़ रोटम एज अ बेट। अब तुम लोगों को पता ही है रोटम ये एक ऐसी चीज़ है वो तुम्हें 20 पॉइंट भी दे देती है एंड गोल को इजी भी कर देती है तुम्हारे काफ़ी ज़्यादा, बट आज के टाइम अभी जो है सब पोकेमॉन्स को यार इतना नॉलेज हो गया कि रोटम से हमेशा गोल को सेव करना पड़ता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पोकेमॉन्स मोस्ट ऑफ टाइम ध्यान देते यार रोटम को अपने गोल में, इसको तुम एक बेट की तरह यूज़ कर सकते हो यार। तुम्हें जैसे ऊपर की साइड रोटम छोड़ दिया तुम लोग का, नीचे की साइड जल्दी से जाके गोल कर दो जैसा कि मैंने यहाँ पर किया। तो ये टिप मोस्ट ऑफ 99.9% काम करती है यार, बहुत ही बढ़िया ट्रिक है। एंड रोटम को इस तरह से तुम बेट के तौर पे यूज़ कर सकते हो, एंड जब तुम रोटम को किल करते हो तो तुम्हें 20 पॉइंट भी मिलते हैं, तो वही पॉइंट तुम जाके गोल कर सकते हो अगर कोई और पॉइंट तुम्हारे पास ना हो फिर भी यार। हाँ, तो टिप नंबर 5 है, ऑलवेज ट्राई टू स्टील जेबडोस, एंड इफ़ यू विन द जेबडोस फाइट देन यू शुड प्रोटेक्ट योर गोल। यार अब देखो, तुम लोग को मैं सिंपली हिंदी में भी समझाता हूँ क्योंकि समझ नहीं आएगा, हाँ किसी को उसको नहीं आएगा, बट हाँ देख लो यार कि जेबडोस को तुम्हें मोस्ट ऑफ चुराने की कोशिश करनी है। ये मत करो कि 5-6 बंदे ऑलरेडी जेबडोस को मार रहे हैं, तुम बीच में घुस गए कि जेबडोस की फूल रहते और तुम बीच में घुस गए, ये चीज़ नहीं करनी है। जब जेबडोस की हेल्थ 10% हो 5% हो तब सीधा घुस जाओ फाइट के अंदर, अपनी अल्टी चला दो, जो भी आपके पास स्पेशल अटैक है वो चला दो, एंड ट्राई करो कि आप जेबडोस को स्टील कर लो। एंड स्टील करने के बाद अगर आपका गोल हो जाता है सीधा आओ अपने बेस पेड़,
सीधा प्रोटेक्ट करने लग जाओ अपने गोल्स को, क्योंकि यार गोल्स को प्रोटेक्ट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे, क्योंकि जो सामने वाली टीम है वो तो ज़ेप्टोस फाइट हार चुकी है, वो वहीं दिखी कि वो भी दूसरे गोल्स में जाके गोल करे यार। तो जिसका भी सबसे पहले गोल हो जाए यार वो आके जो है जोन प्रोटेक्ट करने की कोशिश करें। वैसे तुम सोलो खेल रहे हो तो नहीं कर पाओगे, बट फिर स्टिल फिर भी बता रहा हूँ मैं। एंड आप देख ही सकते हो यहाँ पर इसने अल्टी चला दी, अगर ये इसके पास तो इतने पॉइंट नहीं थे, बट कभी काफ़ी बार होता है पोकेमॉन 50-50 पॉइंट्स लेके आ जाते हैं जब हम ज़ेप्डोस मारते हैं यार। तो बस इसीलिए तुम लोगों को गोल प्रोटेक्ट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लास्ट में, क्योंकि मोस्ट ऑफ पोकेमॉन तुम्हारे रैंडम होते तो मर जाते हैं। तुमने भी देखा है वहाँ पर जो गोल वाली साइड ही रहते वो अंदर आते ही नहीं एंड मर जाते हैं यार। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है तुम्हें, सीधा बेस पे आके गोल्स को प्रोटेक्ट करना है। एंड यही थी हमारी आखिरी वाली टिप। बाकी यार वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना, अच्छा लगता तो लाइक करना, चाहिए सब्सक्राइब करना। मैं मिलूंगा आपसे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू लेटर।